Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn lesson number 27 from your grade 12 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So this lesson number 27, the name of this lesson is Sankshipt Karan. Sankshipti Karan. Sankshipt Karan matlab you have to summarize a paragraph. They will give a paragraph and you have to read the paragraph thoroughly. You have to find out or you have to highlight the important points and you have to summarize. And how to summarize? You have to summarize that particular paragraph in such a way that it will contain all the important information. That means from your summary, if anyone is going to read, he or she will be able to understand what this paragraph is narrated about. And after summarizing that particular paragraph, what you have to do, you have to give a suitable title. आपको एक उस संक्षिप्त संक्षिप्तकरण हुआ गद्यांश का एक आपको नाम देना होगा. उस टॉपिक को आपका एक नाम देना होगा. सो किसी विस्तृत लेख, आख्यान, विवरण पत्र, सूचना आदि में निहित तथ्यों को सरल, सुबोध और प्रस्तुत सुबोध भाषा में प्रस्तुत करना कि मूल विषय की सभी महत्वपूर्ण बातें उसके तृतीय अंश में आ जाए, यही संक्षिप्तकरण है. यानी कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया होगा, जो गद्यांश आपको दिया गया होगा, आपको वो पहले पढ़ना है और समझना है. उसके बाद आपको क्या करना है, अपने भाषा में. अपने भाषा में मीन्स यू शुड नॉट राइट इन योर इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज. यू हैव टू राइट इन अ हिंदी बट इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म. सरल और सुबोध भाषा, जो सबको समझ में आए और जो लिखावट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आपने जो शब्दों का प्रयोग किया होगा वो सरल होगा और जो कोई भी उसे पढ़ेगा उसे समझ में आएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब आप वो पैराग्राफ को समराइज करते हो और शॉर्ट करते हो, छोटा करते हो, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो पैराग्राफ, सपोज योर पैराग्राफ कंटेंस 15 लाइंस, सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू समराइज दैट, देन इट शुड बी कीप इट इन योर माइंड दैट दैट समरी शुड ओनली ऑफ 5 लाइंस एंड दोस 5 लाइंस विल कंटेन द हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ एंड दैट इज नोन एज संक्षिप्तकरण. संक्षिप्त करण करने वाले को चाहिए कि जिस विषय या गद्यांश का संक्षिप्त करना है उसे ध्यान से पढ़े. उचित यह है कि उसे 3-4 बार पढ़ ले. यानी कि आपको वो पैराग्राफ गद्यांश को ना कि एक बार पढ़ना है, 2 से 3 3 से 4 बार पढ़ना है ताकि आपको वो पूरी गद्यांश समझ में आ जाए. पहली बार आमतौर पर पढ़ ले, दूसरी बार विषय को समझने की दृष्टि में पढ़ ले और तीसरी बार संक्षिप्तकरण करना है इस दृष्टि से पढ़े. यानी कि इनिशियली व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दैट पैराग्राफ, कैजुअली यू रीड इट नॉर्मली. देन व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दैट पैराग्राफ अगेन द सेकेंड टाइम, यू हैव टू रीड in such a way that the content of that particular paragraph you are able to understand. And whenever you are going to read it for third or fourth time, then you have to keep it in your mind that you are going to summarize that particular paragraph. पढ़ते समय मुख्य अंशों के नीचे रेखा खींची जाए जिससे संक्षिप्त लेख लिखने में
Sahayata Vilti. So whenever you are going to read, at that time it is very useful if you are going to underline the important lines of that particular paragraph. If you are going to do that, then it will be very easy for you to find out the highlight points, important points, and to write the summary. आपको संक्षिप्त करने में आसानी होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर संक्षिप्तकरण. संक्षिप्तकरण किसे कहते हैं और गद्यांश का कैसा संक्षिप्तकरण करना है, ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है. ऑलवेज इन योर बोर्ड एग्जाम इट इज कमिंग फॉर 4 मार्क्स. पब्लिक एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है ये. संक्षिप्तकरण के समय निम्नलिखित बात पर ध्यान देना चाहिए. जहां तक हो सके मूल पाठ के शब्दों, पदबंधों और वाक्यांशों का प्रयोग ना हो. यानी कि जैसे लिखा गया है आपको वैसे कॉपी नहीं करना है. इफ यू आर गोइंग टू हाईलाइट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, देन यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट. आपको सिंपल वर्ड में उसे लिखना है. मुहावरे और कहावतों का प्रयोग ना हो. यानी कि इफ इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ इडियम्स और प्रोवर्ब्स आर यूज्ड, देन इट इज इट शुड नॉट बी रिपीट इन योर समरी पार्ट. उदाहरण का दृष्टांत देने से वंचे. यानी कि आप उदाहरण का दृष्टांत नहीं दे सकते हैं. अपने विचारों को ना थोपे. यू शुड नॉट राइट योर ओन थॉट्स. वट एवर कंटेंट इज दैट यू हैव टू राइट accordingly. मूल पाठ का कोई विषय छूट ना जाए. And this is the last and very important. You have to keep it in your mind that whenever you are going to summarizing that particular paragraph, not a single important point should left by you. You have to cover all the important points. संक्षेप में कहा जाए तो संक्षेपण में स्पष्टता, संक्षिप्तता, सूत्रबद्धता, प्रभाव प्रभावोत्पादकता, प्रभावोत्पादकता और पूर्णता होनी चाहिए. तो यहाँ पर कुछ सैंपल्स दिए गए हैं. नमूना, नमूने के लिए कुछ गद्यांश. नमूना मीन्स सैंपल्स. सो मूल लेख मीन्स ओरिजिनल पैराग्राफ, ओरिजिनल राइटिंग. क्या है ये? यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी. सो दैट मीन्स समवन इज नैरेटिंग अबाउट हिज फर्स्ट फॉरेन ट्रिप. यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी. इट वॉज माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप. मैं यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में बहुत नहीं आया था जो विदेशी ढंग से रहते और खाते पीते थे पीते हैं. हियर द नैरेटर इज डिस्क्राइबिंग दैट उन्होंने विदेश यात्रा तो पहली बार की थी, लेकिन तभी उनके साथ भी और भी यात्रियां थे जो कि सफर कर रहे थे, यानी कि जा रहे थे घूमने के लिए. लेकिन वहां पर जो लोग विदेशी ढंग से खाते थे या रहते थे, जैसे नाउडेज वी आर अडॉप्टिंग वेरी वेस्टर्न कल्चर वेरी मच. सो विदेशी ढंगों से रहन सहन करना, छुरी काटे से खाना, ये सब जबकि ये लेखक यहाँ पे उन लोगों के संस्पर्श में आया, लेकिन उनके संस्पर्श में इतना नहीं आ पाया जो कि विदेशी ढंग के रहन सहन को अपनाते थे. जाने के पहले दिन श्री सच्चिदानंद सिंह ने मुझे अपने यहाँ अंग्रेजी ढंग से टेबल पर खिलाया था. तो ये जो यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने पहली विदेश यात्रा की थी, वो जब पहले डिसाइड कर लिया था कि हाँ मुझे जाना है फॉरन, तो उससे एक दिन पहले मिस्टर सच्चिदानंद सिंह एक आदमी है जिन्होंने उन्हें अपने घर बुलाकर टेबल पर कैसे नाइफ और फॉक से किया जाता है, खाया जाता है, यानी कि कांटे चूरी और चम्मच से कैसे खाया जाता है टेबल पर बैठ के उन्हें सिखवाया था. क्योंकि ये जा रहे थे पहली बार विदेश, तो विदेश में तो हाथों से ऐसे नहीं खाते हैं, तो ये सब उन्हें तहजीब उन्हें सिखा गया था सच्चिदानंद जी के हाथों. मैंने कांटे चमचे का इस्तेमाल देख लिया था. इत्तेफाक से जहाज पर मेरे कमरे में एक
पारसी सज्जन थे। तो ये जो व्यक्ति है वो जहाज से सफर कर रहे थे, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू अ शिप। सो उन्होंने जब जहाज में सफर किया तो उसी जहाज के एक कमरे में, एक रूम में उनके साथ एक पारसी सज्जन, पारसी व्यक्ति भी थे। वे विदेशी में सैर करने के लिए वे विदेश में सैर करने के लिए ही जा रहे थे। इज ऑल्सो ट्रेवलिंग टू अदर कंट्री। उनसे तो जान पहचान हो ही गई, पर दूसरे कोई मुलाकाती भाई या बहन उस जहाज में नहीं थे। सो लेटर ऑन दिस नैरेटर ही हैड अ ग्रेट फ्रेंडशिप विद दिस पारसी पर्सन, बट ही डिडंट फाइंड एनी अदर पीपल, नॉन पीपल इनसाइड दैट शिप। मेरी आदत भी कुछ ऐसी है कि मैं किसी से स्वतः मुलाकात या जान पहचान करने में बहुत सकुचता हूँ। यहाँ पर नैरेटर ने बताया कि he was very reserved, he was he just his character is just like that, he is hesitating to be friend with others very quickly। So अगर यहाँ पर हम लिखेंगे, संक्षिप्तकरण करेंगे, तो इम्पोर्टेंट लाइन क्या होगा? दिस वन इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन, दिस इज द फर्स्ट फॉरेन ट्रिप ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसके बाद क्या होगा? वो विदेशी ढंग से उन्हें वो विदेशी ढंग से खाने वाले लोगों के आसपास इतना नहीं आ पाए, उनसे इतना मेल मिलाप नहीं बढ़ा पाया, और वो जाने से पहले कांटे चम्मच का इस्तेमाल करना जान सीख लिया था। फिर क्या हुआ? जहाज पर उनके कमरे में एक फारसी सज्जन भी थे और उनका स्वभाव कैसा था? उस ये नैरेटर का ये जो वर्णन करते हैं कि वो खुद किसी से जाकर जान पहचान या फिर फ्रेंडशिप करने में हिचकिचाते थे। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर हम उसे समराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? करेंगे ऐसे कि मैं पहली विदेश यात्रा में विदेशी ढंग से रहने वाले लोगों से दूर रहता था। दूसरा लाइन क्या होगा? मैंने कांटे चम्मच का इस्तेमाल करना सीख लिया था। तीसरा लाइन क्या होगा? जहाज पर मेरे कमरे में एक फारसी सज्जन थे। और लास्ट लाइन क्या होगा? मैं स्वयं जाकर दूसरों से मिलने में सकुचाता हूँ, हिचकिचाता हूँ। तो ये रहे वो पांच इम्पोर्टेंट लाइन। एंड व्हेनेवर यू विल राइट ऑल दिस ओनली दिस फ्यू लाइंस, एनीवन विल रीड दिस समरी, he or she is able to understand what is that paragraph is narrated about. After that you have to give a befitting title. एक आपको टाइटल देना होगा, एक आपको उसका नाम देना होगा, इस लेख का नाम देना होगा। तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं? पहली विदेश यात्रा या फिर मेरी पहली विदेश यात्रा, कुछ भी टाइटल आप दे सकते हैं। So this is how you have to write or summarize this paragraph. I hope children how to summarize a big paragraph to a small one, and how you have to cover the important points, what are the things you have to be keep in your mind, everything I have narrated, how to give a suitable title, also that also I suggest you how to give. I hope children you understood, and keep in mind that in public exam for your Hindi exam this particular sankshiptakaran ye hamesha 4 mark ke liye aata hai, it will come for 4 marks and it is very easy. You just read 3-4 times that paragraph, identify the gist, identify the important points and write it in your own way, own words, and those words would be simple and very easy to understand. And lastly you have to give a suitable title and you will get 4 out of 4. I hope children
आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।